गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, जहां आपका आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड मैथ्स का नया बैच शुरू हो चुका है सेमिनार के बाद 1/3/23 से शाम को 4:30 बजे। जो स्टूडेंट ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट, मुझे इस व्हाट्सएप पर मैसेज करें। स्टूडेंट देखिए, आज का जो वीडियो है वो हमने टीएसपी में जो रिट एग्जाम के साइंस वाले को जो लेकर के कट ऑफ को लेकर के था स्टूडेंट, उसके लिए बनाया है। मैंने इसके लिए एक वीडियो पहले भी बनाया था स्टूडेंट, लेकिन वो वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है काफी जल्दी में बन गया, क्योंकि उस दिन ही एग्जाम था और मेरे जो भी अच्छे स्टूडेंट थे सेकंड ग्रेड वगैरह के, उन्होंने मुझे मैसेज किए, लगभग 15 स्टूडेंट ने, और उसके बेस पर मैंने वो कट ऑफ उस दिन बताया। लेकिन उसके बाद में जब पिछले 5 दिनों से मैं जब लगातार स्टूडेंट से मैसेज आ रहे हैं, तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि मुझे मेरी उस कट ऑफ में परिवर्तन करना होगा, कि मेरी जो कट ऑफ उतनी बताई थी उतना नहीं जा सकता है। उसमें देखिए, आज की जो कट ऑफ है वो उससे ज्यादा परिमार्जित होकर के बनाई गई जो मैंने उस दिन बनाई थी कट ऑफ लेवल 2 की साइंस वालों के लिए, है ना। और जहां तक मेरा अनुमान है कि 5 दिन तक जो पूरा सर्वे किया है, लगभग 200 स्टूडेंट के साथ बातचीत हुई है, उसके बाद मैं आपसे ये कट ऑफ शेयर कर रहा हूं। ज्यादा मुझे लगता है कि शायद फाइनल कट ऑफ यही रहनी चाहिए। पता नहीं रिजल्ट एक बार आएगा, दो बार आएगा, वो पता चलेगा, आगे भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट देखिए, शुरू करते हैं सबसे पहले आपकी एसटी कैटेगरी में कितना जा सकता है। स्टूडेंट देखिए, एसटी कैटेगरी मेरे कट ऑफ अभी भी वही है जो मैंने पहले उस दिन शेयर की थी। स्टूडेंट जहां तक मुझे लग रहा है स्टूडेंट, एसटी कैटेगरी में आपकी 120 से स्टूडेंट और आपके 122 तक जाना चाहिए आपका स्कोर एसटी कैटेगरी में, जहां तक आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से एसटी कैटेगरी के अंदर रिट लेवल 2 साइंस टीएसपी लेवल 2। ठीक है फ्रेंड, ये आपके साइंस के जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 25 तारीख को, उसकी बात हो रही है 25/2 को। एसटी कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट 120 से 122 तक जाना चाहिए स्टूडेंट। एससी कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट देखिए, एससी कैटेगरी में जा सकता है वो आपका 130 से 132 तक जाना चाहिए स्टूडेंट मेरे ख्याल से। एससी कैटेगरी के अंदर आपके 130 से 132 ऑप्शन। अब आइए जिसका आपको इंतजार है, जनरल कैटेगरी की, क्योंकि आपको पता है कि भाई टीएसपी के अंदर नो ओबीसी, नो ईडब्ल्यूएस, नो एमबीसी, केवल 3 ही कैटेगरी है स्टूडेंट आपका एसटी एससी एंड नाउ जनरल। ठीक है स्टूडेंट, अब जनरल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट से बात हुई है कि सर हमारे लगभग 110 प्रश्न किए हैं, हमने 115 किए, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि पेपर को नेचर को देखते हुए एक तो आईसीटी के क्वेश्चन थोड़ा धोखा दे दिया आपको, वो नहीं मिल पाए, थोड़ा आपके जो मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन थे स्टूडेंट वो नहीं मिल पाए, वहां थोड़ी सी गलती की, और स्पेशली मैथ्स का है वो भारी पड़ा बायो वाले स्टूडेंट के लिए। ये तो मैंने आपको शुरू से ही बोलता आ रहा था कि भाई राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एग्जाम ले रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा मैथ से बचकर रहिएगा, स्पेशली बायो वालों के लिए, तो वो थोड़े पिछड़ रहे बायो वाले। केवल टीएसपी नहीं, पूरे नॉन टीएसपी का भी यही रिपोर्ट है कि पेपर नो डाउट थोड़ा सा लेंदी था, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी नेचर के भी थे आउट ऑफ 30, तो स्टूडेंट वो मैथ्स भी थोड़ा सा कठिन लगा है बायो वाले के लिए। मैथ्स वालों ने चलो ऑलमोस्ट कर दिया। जीके में दिक्कत यह आ गई, कई से क्वेश्चन सोच रहे थे कि सही निकलेंगे पर वो गलत सिद्ध हो गए, हालांकि ऑथेंटिक आंसर की आनी बाकी है, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 5 नंबर आप प्लस माइनस ले सकते हो अभी जो आंसर की आई है सभी, और जो ऑथेंटिक आएगी मेरे ख्याल से 5 या 6 नंबर से ज्यादा का अंतर शायद मुझे लगता है नहीं पढ़ना चाहिए, कोई भारी फेरो बदल नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। चलिए स्टूडेंट अब आते हैं आपका जनरल कैटेगरी का कितना रह सकता है। स्टूडेंट देखिए, इसमें जहां तक मुझे लग रहा है आपके स्टूडेंट 154 से स्टूडेंट 155, ये मुझे लग रहा है आपका जनरल कैटेगरी के अंदर 154 to 155 तक कट ऑफ स्टूडेंट आपके जाने चाहिए। 156 भी आ सकता है, 153 भी आ सकता है, यानी कि मेरे ख्याल से जिसने 50% प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सही है ना, 50% प्लस सही क्वेश्चन के अटेम्प्ट है, लाइक आप हो सकते 52%, मतलब 154 प्लस है। ठीक है, सब कुछ नेगेटिव करने के बाद में कि काफी स्टूडेंट से बात हुई कि सर 110 तो अटेम्प्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सर 15 गलत हो रहे हैं 110 में,
15 गलत, तो आप बहुत सोच सकते हैं स्टूडेंट 110 में अगर 15 गलत हैं तो आप सीधे सीधे आप 95 पर आ जाएंगे स्टूडेंट, और जो 15 जो गलत किए स्टूडेंट वो आपके और निकल जाएंगे। ये तो कुछ टॉपर्स की कहानी है जो मैंने उस दिन आपको बताई थी 110 में से। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट ने, अगर मैं टीसीपी की बात करूं स्टूडेंट, तो आपके 100 से और 105 क्वेश्चन के बीच में ही अटेम्प्ट किए हैं जहां तक बात हुई है। और इसमें से फिर सीधी सी बात है कि 8 से 10 प्रश्न गलत हुए ही हुए हैं, है ना। 100 क्वेश्चन किए तो 10 गलत है, सीधा 90 पे आ रहा है, ठीक है। 105 किए तो उसके 15 गलत है, 20 गलत है स्टूडेंट। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जिसकी 52% क्वेश्चन सही हो रहे हैं मार्क्स स्टूडेंट, मेरे ख्याल से 154, 155 या 156 तक शायद मेरे ख्याल से स्टूडेंट मेरिट जानी चाहिए। अभी जो फीडबैक मिला है टीएसपी एरिया का, बाकी तो ऑथेंटिक एनसीटी के बाद में हो सकता है प्लस माइनस 5, 7, 8 भी हो सकता है, कईयों के बढ़ सकते हैं, कईयों के हो सकते हैं कम भी हो जाए, वो तो देखिएगा आगे क्या होता है। लेकिन स्टूडेंट ये है कट ऑफ जो मैंने 5 दिन बच्चों से बात हुई है उसके बाद स्टूडेंट जारी किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप कट ऑफ के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़े, वो किस्सा खत्म हो गया है अब रिट का। अब आपको आगे की तैयारी करनी है। इस वर्ष भी स्टूडेंट लाखों वैकेंसी आएंगी, शिक्षा विभाग से है तो आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड भी आ सकती है, और आपको लगातार तैयारी करते रहनी स्टूडेंट। हमारे यहाँ सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथ्स का बैच शुरू हो चुका है, जो स्टूडेंट जागरूक हैं, अवेयर हैं, उन्होंने बैच ज्वाइन भी कर लिया स्टूडेंट, तो आप भी देर नहीं करें। डेमो क्लासेस चल रही हैं 1, 2, 3 और 4 मार्च को, उसके बाद में होली के बाद रेगुलर बैच चालू हो जाएगा स्टूडेंट आपका 10 तारीख से। स्टूडेंट बिना समय खराब कीजिए, ठीक है, कट ऑफ से जो भी आपने किया उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट परिणाम सामने आ ही जाएगा। मुझे लगता है ये है कि भाई हमेशा अपने मन में बहुत ज्यादा रोमांच और जागरूकता रहती है कि सर क्या रहेगा कट ऑफ, इतने एक ही साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट के मार्क्स उतने बड़ी संख्या में आ नहीं रहे जितना कि उम्मीद था 5 दिन पहले, उतना नहीं स्कोर जा रहा है स्टूडेंट। मेरे लिए ये कट ऑफ हो सकता है 154, 155 जनरल कैटेगरी। अब देखते हैं आगे फाइनल क्या रहता है स्टूडेंट। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, ओके थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।